नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी, सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस साल की शुरुआत बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन के साथ की होगी, और मैं ये भी दुआ करता हूं कि आपका ये आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा हो, आप हेल्दी रहें और आपको हर एक वो मुकाम हासिल हो जो आप इस साल से चाहते हैं। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें क्या जानना है। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो आपने 2022 का कैलेंडर इस्तेमाल किया और जो आप 2023 में कैलेंडर इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। इनका नाम क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये दिसंबर तक चलता है, जिसमें हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में दिन जो है वो बदलते हैं, कभी 28 होते हैं, कभी 29 होते हैं। 4 साल में एक साल ऐसा होता है जिसको लीप ईयर कहा जाता है, उसमें 29 दिन होते हैं, और ये 2023 का साल जो है ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें 28 दिन है। उसके अलावा सभी महीनों में दिन जो है वो फिक्स होते हैं, मार्च में 31 हैं, जैसे अप्रैल में 30 हैं, दिसंबर में 31 हैं, इस तरह से दिन फिक्स होते हैं और वीक के अंदर 7 दिन फिक्स होते हैं। ये जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, इसी का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर इसका नाम क्यों है, ये कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत करी थी साल 1582 में चर्च के एक पादरी जिनका नाम था पोप ग्रेगोरी 13, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इसीलिए इनके नाम के बाद ही इनका इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ गया। इसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है। हालांकि हर एक रिलीजन का अपना अपना कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर और बाकी जितने भी रिलीजन है उनके अपने अपने कैलेंडर होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी आज के समय इसी कैलेंडर को मानती है। सामान्यतः हम इसी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और ये कैलेंडर जो है ये काफी एक्यूरेट है। किस को लेकर एक्यूरेट है, सोलर ईयर को लेकर। सोलर ईयर क्या होता है, धरती आप सभी जानते हैं कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और धरती सूरज के चारों तरफ जितने समय में चक्कर लगाती है उसी को कहा जाता है सोलर ईयर। एक सोलर ईयर में धरती सूरज के एक बार चक्कर लगा देती है, लेकिन हमारा जो ईयर होता है वो तो या तो होता है 365 दिन का या 366 दिन का। तो ऐसा तो है नहीं कि एक साल तो धरती 365 दिन में चक्कर लगा दिया, एक साल में धरती जो है 366 दिन में लगा रही है, ऐसा नहीं होता। उसका एक टाइम होता है, उसकी भी हम बात करेंगे और ये कैलेंडर कैसे बनते हैं, कैसा इसका निर्माण हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना एक्यूरेट है इसकी भी बात करेंगे और इससे पहले कौन सा कैलेंडर चलता था उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 11 days that never were, 11 वो दिन जो कभी थे ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 11 दिन साल में से निकाल दिए जाएं? और ऐसा हुआ, कब हुआ? 2 सितंबर 1752 की बात है। ब्रिटिश अंपायर के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितनी भी उनकी प्रजा थी, वो सोई तो 2 तारीख को, 2 सितंबर को, लेकिन जब वो उठती है तो 14 सितंबर हो जाता है, 14 सितंबर को। तो मतलब ये लोग 12 दिन के लिए सो गए थे क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 12 दिन तक के लिए पूरे किसी साम्राज्य की सारी जनता को आप सुला के रख सके? ऐसा तो है नहीं, कुंभकर्ण तो सब थे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उनके ऊपर कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई ऐसी चीज भी नहीं की गई थी, उनको कोई किसी तरीके का इंजेक्शन नहीं दिया गया था, नींद की गोलियां नहीं दी गई थी। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट 1751 जो है वो इस दिन लागू हो चुका था, और इस दिन वो लागू हुआ तो उसने क्या किया कि पुराने जूलियन कैलेंडर को छोड़ के अब वो जो है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लेते हैं, और वो जो नया कैलेंडर है वो पुराने कैलेंडर से 12 दिन आगे होता है। तो बेसिकली जूलियन कैलेंडर में उस दिन तारीख होती है 2 तारीख, और जो ये जो नया कैलेंडर बना था, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1582 से चल रहा था, जो कि पेरिस में, लिस्बन में, बर्लिन में फॉलो ऑलरेडी किया जा रहा था, वहां पे तारीख कितनी थी, 13 सितंबर। तो ऑलरेडी ये लोग जो हैं वो 13 सितंबर को ही सोए थे, लेकिन वो उठते हैं इसी अगले दिन उठ जाते हैं 14 सितंबर को। लेकिन अगर पुराने जूलियन कैलेंडर की बात करें तो वो 3 सितंबर को ही उठे थे, लेकिन क्योंकि कैलेंडर बदल चुका था तो ये 2 सितंबर को सोए हुए लोग कितने सितंबर को उठते हैं, 14 सितंबर को उठते हैं। तो ये चीज होती है और ये काफी ऐतिहासिक मोमेंट था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक तरह से नया परिवर्तन था, एक नया कैलेंडर लाया गया था इसलिए। और ये कैलेंडर शुरुआत क्यों हुई थी इसकी हम बात करेंगे, और यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है आपका। तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब की गई थी, ये आज के समय है क्या एक इंटरनेशनली मान्य सिविल कैलेंडर है जिसको पूरी दुनिया मानती है। इसको वेस्टर्न या क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इसको शुरुआत किया गया था। इसको मॉडिफाई जब किया गया था तो वो उसका पर्पज ये था कि क्रिश्चियनिटी के जो फेस्टिवल्स हैं, ईस्टर का जो त्यौहार है वो उसकी अप्रोप्रिएट डेट के ऊपर आए, ऐसा था।
तो 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने इसको मॉडिफाई करके रिप्लेस करवाया था, पहले जूलियन कैलेंडर था उसकी जगह ये कैलेंडर आया था। तो ये इंट्रोड्यूस पोप ग्रेगोरी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे पोप ग्रेगोरी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि पुराना जो कैलेंडर था जो जूलियन कैलेंडर हुआ करता था, उसके आगे मैं आपसे बात करूंगा, उसके अंदर एक एवरेज कैलेंडर ईयर हुआ करती थी 365 दिन 2425 डेज, यानी कि एक चौथाई दिन लगभग, ये आप मान सकते हैं कि हर चार साल में आपकी फरवरी रिपीट होती है ना, तो इसका मतलब है कि एक चौथाई करके चार साल में वो दिन पूरा हो जाता है। लेकिन वो भी देखिए पूरा एक चौथाई नहीं है, एक चौथाई कब होता है 0.245, लेकिन दिन तो ऐसा हो नहीं सकता। काफी सालों बाद इसका मतलब ये है कि ये जो है एक्यूरेट हो पाएगा, क्योंकि सूरज जो है वो तो इस गणना पे नहीं चलता ना कि हम अपना कैलेंडर बनाएंगे उस हिसाब से, उसे मतलब धरती को उसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए, वो तो एक अलग तरीके से चलता है। हाँ, ये फिक्स बात है कि 24 घंटे में जो है दिन और रात मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, दिन और रात का बनना हो जाता है, मतलब धरती अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है। तो दिन तो हो गया फिक्स 24 घंटे का, उसको हमने बना लिया हमारी घड़ी के अंदर 24 घंटे को उसको फिक्स कर लिया। तो घड़ी और कैलेंडर को दोनों को अगर एक्यूरेट कर दिया जाए तभी ये चीज पॉसिबल है कि सोलर ईयर और ये जो अपना दिन रात का बनना है ये दोनों चीजें हो जाए। तो फिर आपके जो दिन है वो पॉइंटों में चले जाएंगे कि पता चल रहा है कि हर दिन रात के अंदर आपके 24 पॉइंट समथिंग घंटे बन रहे। तो ये चीज को करने के लिए घड़ी को तो एकदम फिक्स कर दिया गया 24 घंटे, लेकिन साल को थोड़ा सा जो है इसमें सुधार करके चीजें बदली गई। तो एक जो सामान्य सोलर ईयर है वो जो है उससे थोड़ा सा इनएक्यूरेट होता है ये जो कैलेंडर है आपका। तो इसका एवरेज कैलेंडर ईयर होती है 365.2425 जो पुराना जूलियन कैलेंडर था, लेकिन उसके बाद ये जो मॉडिफिकेशन हुआ और ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तो इसमें क्या कर दिया गया कि जो एवरेज एज है, एवरेज ईयर है वो हो गया 365.2422 डेज का, जो कि सोलर ईयर के बहुत ज्यादा करीब है, काफी करीब है, ये क्लोज है। तो ये पुराने से अब जो नया मॉडिफिकेशन हुआ वो एक्यूरेट हुआ, लेकिन कंप्लीट एक्यूरेट तो ये भी नहीं है, 100% एक्यूरेसी इसके अंदर भी नहीं है। तो ये एक्यूरेसी लाने के लिए इन्होंने किया था। अब जो पुराना कैलेंडर हुआ करता था उसमें भी चीजें ऐसी थी, बहुत हद तक ऐसी थी, जैसे कि अभी क्या होता है ये जो सोलर कैलेंडर है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें 365 दिन एक कॉमन ईयर में होते हैं और 366 दिन एक लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये 12 महीनों में बटे हुए होते हैं और 12 महीनों में अलग अलग लेंथ होती है, जैसे कि जनवरी हो गया 31 दिन का, फरवरी हो गया 28 या 29 दिन का, मार्च हो गया 31 दिन का, अप्रैल हो गया 30 दिन का, मई हो गया 31 दिन का, जून 30, फिर जुलाई अगस्त दोनों 31, ऐसे करके ये साल चलता है। तो ये सब चीजें हैं। अब फरवरी हर चार साल में एक बार 29 दिन का हो जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की वो साल जो है वो लीप ईयर मानी जाती है, 366 दिन का हो जाता है। तो पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जो जूलियन कैलेंडर था वो कैसे बनाया गया, वो कैसे लॉन्च किया गया था? तो जूलियन कैलेंडर जो है वो जूलियस सीजर के समय पे हुआ। जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा, रोमन कंसुल था, इसी के समय पे जो है रोमन रिपब्लिक जो है वो आगे चल के रोमन एम्पायर बन गया था। तो रोमन इसके बाद बना था अगस्तस के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे नींव रख दी गई थी एक तरह से। तो 46 बीसी में, यानी कि ईसा से भी पहले, पहली सेंचुरी में, ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था, इस कैलेंडर को शुरुआत किया था, और वो जो कैलेंडर है जो इन्हीं के नाम पे जूलियन कैलेंडर शुरू हुआ। तो ये कैलेंडर जो है शुरुआत होती है 1 जनवरी 45 बीसी में। अब आप कहेंगे 46 और 45 में पहले कौन आता है, 46 पहले आता है, आप ये एक्सिस तो जानते ही हैं कि इधर जाओगे तो साले बढ़ती जाएंगी। ये जीसस का जन्म यहाँ पे हुआ, या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे 1 बीसी, फिर 2 बीसी, 3 बीसी, तो उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 46 बीसी पहले आया होगा ना, और फिर 45 बीसी आया। तो ये साल में ये 1 जनवरी को ये कैलेंडर जो है इसको रेगुलेट कर दिया गया, और इसको बनाने वाले कई एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन थे, सोसेजेंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का महत्वपूर्ण योगदान था इस कैलेंडर को बनाने में, तो ये कैलेंडर बना। लेकिन ये जो कैलेंडर था ये थोड़ा इनएक्यूरेट था उस जमाने में, बना इतना एक्यूरेट कैलेंडर बना दिया वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। यही सिस्टम उसमें चलता था, फरवरी उसमें भी इसी तरीके से लीप और अलीप उसमें टाइम में ऐसी चलती थी, लेकिन ये रियल सोलर कैलेंडर से तकरीबन 11.5 मिनट पीछे था हर साल के हिसाब से। मतलब सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगा चुका है और उसके 11.5 मिनट बाद जो है वो साल कंप्लीट होता था इस जूलियन कैलेंडर के अंदर, तो पीछे हो गया। तो ये 11.5 मिनट एक साल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ती कि 11.5 मिनट लेट आपका न्यू ईयर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये चीजें अगर सदियों तक चलती रही, हर साल 11.5 मिनट जुड़ते रहे
तो कुछ दिनों का अंतर तो आ ही जाएगा, कुछ मतलब अगर सदियां भी कई निकल गई, मान लो 100 सदी निकल गई, और 100 सदी निकल गई तो हर साल 11.5 मिनट बड़ा है, तो आपके महीनों का परिवर्तन आ जाएगा। और आप मान लीजिए ये कैलेंडर जो है इसको आज तक इस्तेमाल कर रहे होते और आज से 10,000 साल बाद में भी इस्तेमाल कर रहे होते, तो आपको पता चलता कि ये जो आपका न्यू ईयर आ रहा है ये उस समय पे आ रहा है जैसे गर्मियां मार्च अप्रैल में हो जाती है, वहां तक पहुंच गया, तो इतना डिफरेंस हो जाता। तो चीजें बदल जाती कि जिस टाइम पे जो चीजें आती हैं, लोगों को जिन चीजों की आदत है, जो फेस्टिवल्स आते हैं, जो सीजन्स आते हैं, वो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि सोलर कैलेंडर और आपका जो खुद का कैलेंडर है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये कई सेंचुरी बदलने बीतने के बाद 16 सेंचुरी में ये जो कैलेंडर है, ये जूलियन कैलेंडर तकरीबन 10 दिन पीछे हो चुका था, 10 दिन पीछे हो चुका था। मतलब रियलिटी में डेट जो है, मान लीजिए 10 जनवरी है और आप जो है वो 31 दिसंबर पे ही अटके हुए हैं, तो ये जो दिन है ये इसलिए हुए आगे क्योंकि ये 11.5 मिनट पीछे था। तो ये चीज कैसे पता चली, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा हुआ, कि वो धरती के चारों तरफ वैसे कोई देख तो रहा नहीं है हर मोमेंट पे कि अरे भाई ये तो साल यहाँ पे खत्म हुआ है, अब चक्कर लगाया है, ये तो कोई रस्सी तो बांध नहीं रखी है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो उस समय पहले क्या है, ईस्टर का त्योहार मनाते थे। ईस्टर का त्योहार आप जानते होंगे कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड करने के बाद जब वो वापस आए थे 3 दिन बाद, वो पुण्य एक तरह से उनका आए थे 3 दिन बाद अपने समर्थकों से मिलने के लिए, तो उसको ईस्टर का त्योहार की तरफ मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये आता है मार्च महीने में, 21 मार्च के दिन अगर फुल मून आ जाए या उसके बाद जो फुल मून जो भी आता है 21 मार्च के बाद, उस दिन ये ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद जो संडे आता है, फर्स्ट संडे आता है, उसको मनाया जाता है। तो कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन है, 21 मार्च के बाद जो फुल मून होगा, उसके बाद जो फर्स्ट संडे होगा, उस दिन ईस्टर का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोगों ने जब ईस्टर का त्यौहार, वो तो इतनी सदियों से मनाते आ ही रहे थे, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही, तो उनकी मृत्यु के बाद से ही मनाते जा रहे थे वो, तो ये चीज जो है बदल गई कि ये 10 दिन बाद क्यों आ रहा है त्यौहार। लोग जो है उनको पता तो चलता ही है चीजें कि यार ये त्यौहार इतना इस समय पे आया करता था, लेकिन अब बदल गया है। तो ईस्टर के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए, उसकी डेट को ध्यान रखते हुए और उसको सही करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13 जो कि चर्च के पोप थे, उन्होंने एक रिफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हमें इस जूलियन कैलेंडर के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है और इसको एक्यूरेट करेंगे, और एक्यूरेट करेंगे। तो इसीलिए ये कैलेंडर लाया गया था, और 24 फरवरी 1582 को ये कैलेंडर लाया गया। इसमें चीजें चेंज की गई, जो ऑब्जर्वेशन रियलिटी थी और जो भी एरर थी कैलकुलेशन में पहले, उसको इन्होंने सुधारने की कोशिश करी, काफी हद तक सुधारने में सफल रहे। पूरी तरीके से होता नहीं है वो, तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, जिस तरीके से सोलर ईयर का जो टाइम है वो एक्यूरेट नहीं ये कर पाते, मैं गणना करके उसके हिसाब से कैलेंडर नहीं मैन्युफैक्चर कर पाते। तो ये प्रोक्लेमनेशन जारी किया गया जूलियन कैलेंडर को हटा के, उसके अंदर नया कैलेंडर लाया गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से बदल गई। तो 1, 2, 3, 4 तारीख तो है ना 1582 में आई, लेकिन 4 के बाद सीधी 15 तारीख आ गई, 4 के बाद सीधी 15 तारीख आ गई। ये वो रिफॉर्म था और ये वो हिस्टोरिकल मोमेंट था जिस टाइम जूलियन कैलेंडर को छोड़ा गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडप्ट किया गया। तो 3 के बाद कितनी तारीखें बदल, 4 के बाद तारीखें कौन कौन सी गायब हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतने दिन के जो 10 दिन थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए। अब ये चीजें, दूसरी तरफ मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो 9 दिन जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर गायब हो गए थे, वो क्यों गायब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो 1751 तक को 52 तक फॉलो नहीं किया था, तो धीरे धीरे वहां पे ओवर टाइम बढ़ गया था, ऐसे हो गई थी चीजें 12 दिन। फिर अब बात आती है आगे चल के लीप ईयर के और इनके अलाइनमेंट की, कि इनको रीअलाइन करना है, कैसे करेंगे। तो रीअलाइन करने के लिए पहले जूलियन कैलेंडर में भी चीजें थी, इसमें भी चीजें थी, तो अब क्या कर दिया गया था, 10 दिन को तो ड्रॉप कर दिया गया था। लीप ईयर निकालने का एक नया फॉर्मूला निकाला गया। आप लीप ईयर का निकालने का फॉर्मूला बहुत से लोग जानते होंगे कि हमें ये चेक करना हो कि इस साल फरवरी में 29 दिन होंगे कि 28 दिन होंगे। आप उसको याद, ये तो याद करेंगे नहीं कि यार 2012 पिछले साल क्या था, अब 4 साल हो गए क्या, हमेशा ऐसे नहीं करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कि कोई भी सामान्य साल है उसके अंदर आप डिवाइड कर लेंगे 4 का, और 4 का डिवाइड तभी करेंगे जब वो सेंचुरी ईयर नहीं है। एक सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं जिसमें सदी खत्म होती है, जैसे साल 1900, साल 2000, साल 2100, ये है सदी, ये सेंचुरी ईयर है, जिनके एंड में 2 जीरो लग जाते हैं वो सेंचुरी ईयर है। तो ये जो है इनमें आपको 4 का भाग नहीं देना है, बल्कि 400 का भाग देना है। क्यों देना है उसकी हम बात करूंगा अभी मैं। तो इस साल 2023 के अंदर फरवरी कितने दिन का होगा,
उसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो अगर 4 का डिवाइस पूरा पूरा चला जाता है तब तो होगा 29 दिन का, और 4 का पूरा भाग नहीं जाता है तो होगा 28 दिन का। और क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिरी के दो डिजिट है ना उनमें 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, 23 में 4 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे मतलब ये पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सा होगा? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर मतलब 28 दिन की फरवरी, 28 दिन की फरवरी होगी। लेकिन इन सालों में 4 का भाग क्यों नहीं दिया जाता? साल 1900 है, मान लीजिए साल 1900 है और साल 2000 है, तो इसमें 4 का भाग क्यों नहीं देते? क्योंकि एक बात है कि 00 जिसके एंड में आ गए मतलब 100 आ गया, और 00 में तो 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब तो हर एक सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए जो सेंचुरी ईयर है उसमें 4 का ना भाग देके 400 का देते हैं भाग। 400 का भाग दिया, अब आए 19, तो साल 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं हुआ ना, क्योंकि 19 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर आप इसमें 4 का भाग देते तो ये तो लीप ईयर बन जाता। साल 2000 में अगर 4 का भाग दोगे तो आप 400 का भाग दोगे तो आपको पता है कि 20 आ गए, और 20 हो गए तो 4 का भाग जाता है, तो ये लीप ईयर था, इसमें 29 फरवरी थी। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। याद रखिएगा कि सेंचुरी ईयर में हमेशा 400 का भाग देना है, और बाकी जो ईयर है उसमें 4 का भाग देना है, और अगर भाग पूरा पूरा जाता है तब तो आपकी फरवरी होगी 29 दिन की, और अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो फरवरी होगी आपकी 28 दिन की। इस तरह से होता है। अब ये बात आती है कि भाई ठीक है, इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए, कैलेंडर को चेंज किया, कैलकुलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन क्या ये कैलेंडर परफेक्ट बन गया? क्या कोई कैलेंडर परफेक्ट है भी? तो ऐसा है ही नहीं कि कोई भी जो कैलेंडर है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो, कि सोलर ईयर और जो हमारा खुद का जो कैलेंडर ईयर है वो दोनों मैच हो जाए, ऐसा हुआ नहीं है। काफ़ी करीब लेके जाने की कोशिश करते हैं कि एकदम जितना एक्यूरेट हो सके उतना करें, तो कोई भी परफेक्ट नहीं लेकिन लगभग परफेक्शन के पास है। जैसे कि अभी का जो हमारा जूलियन कैलेंडर है, सॉरी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो इतना परफेक्ट है कि ये 3236 साल तक तो आपका एक भी दिन आगे नहीं होगा। 3236 साल बीतने के बाद क्या होगा कि आपका एक दिन जो है पीछे हो जाएगा। तो इसका बेसिकली है कि इसमें 3200 में 1582 जोड़ दो, कितने साल बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें एक दिन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 8 कितना हो गया, 11, 8, 4, मतलब 4818 का जो सन आएगा उस समय हमें पता चलेगा कि हमें 1 जनवरी के बाद सीधा 3 जनवरी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। 2 को हम मिस कर देंगे, 2 को हम हटा देंगे, क्योंकि इसलिए हटा देंगे ताकि हम उस सोलर ईयर के साथ मैच कर सकें, चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट हो सकें। तो इतना समय तो बहुत होता है, 3236 साल का आपके पास समय है कि आपका एक भी दिन जो है वो मिसमैच नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात आती है कि इस कैलेंडर को, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को डिज़ाइन किसने किया था? पोप ग्रेगोरी को इनका नाम दिया जाता है, लेकिन पोप ग्रेगोरी कोई साइंटिस्ट थोड़ी थे, वो कोई डिज़ाइनर थोड़ी थे, कोई मैथमेटिशियन या कोई एस्ट्रोनोमर थोड़ी थे कि जिन्होंने कैलेंडर डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था ल्यूगी लिलियो। ल्यूगी लिलियो जो है वो एक, इनको लिलियस भी कहा जाता है, एलोसियस ल्यूलियस भी कहा जाता है, ये एक इटालियन डॉक्टर, एस्ट्रोनोमर और फिलोसोफर थे। इन्होंने इस कैलेंडर को डिज़ाइन किया था, साल 1510 में इनका जन्म होता है और 1576 में ये इनकी डेथ होती है, और इन्होंने अपनी डेथ से तकरीबन 6 साल पहले, मतलब ये कैलेंडर जो है अपनी डेथ से पहले कर दिया था, और कैलेंडर लागू हुआ था 1582 में, तो इनकी डेथ के भी 6 साल बाद जो है कैलेंडर लागू हुआ। तो इन्होंने इस कैलेंडर को पूरी तरह से डिज़ाइन किया था, और भी लोगों ने मदद की थी लेकिन इन्होंने मेन चीफ आर्किटेक्ट यही थे उसके। उसके बाद बात आती है कि साल की शुरुआत 1 जनवरी को क्यों होती है? ये भी एक सवाल बनता होगा आपके मन में कि ठीक है कैलेंडर को सोलर ईयर के हिसाब से कर दिया, लेकिन 1 जनवरी क्यों, 1 फरवरी क्यों नहीं, 1 मार्च क्यों नहीं, 1 दिसंबर क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जब ये रोमन कैलेंडर शुरू किया गया था रोमन रिपब्लिक में और आगे चल के रोमन एम्पायर में भी, तो कंसूल जो होते थे, जो उसके जो साम्राज्य को चलाने वाले कंसूल होते थे, कब एक होता था फिर 2 भी होते थे, फिर तो एम्परर आ गया अगस्टस के समय पे, तो ये कंसूल होते थे, ये जो कंसुलेट होती थी जैसे संसद हमारी लगती है, उसमें जो एंटर करते थे पहली बार ऑफिस में काम करने के लिए, लॉ बनाने के लिए सेशन होता था, जैसे हमारे यहाँ पे समर और विंटर सेशन होता है वैसे ही, तो वो उसी दिन को नया साल मान लिया जाता था। तो पहले ये होता था 1 मई को, फिर 222 BC के अराउंड होता था, फिर 222 के बाद आगे चल के ये 15 मार्च को शुरू कर दिया, फिर 153 BC के अराउंड आते आते इन्होंने 1 जनवरी को ये कंसूल जो है ऑफिस में एंटर करती थी। तो और जब ये कैलेंडर लागू किया गया था तो वो साल था 45 BC, तो 45 BC का जो समय था उस समय तो जनवरी महीने में एंटर करते थे, तो 1 जनवरी को एंटर करते थे, तो इसी को साल का पहला दिन मान लिया गया। तो पहला दिन जो है वो जनवरी का
उसी को न्यू ईयर मान लिया गया और आज इसको पूरी दुनिया न्यू ईयर के तौर पर जानती है। हालांकि पहले क्या होता था, अलग अलग समय पर रशिया, पेरिस, ये सब जो है अलग अलग दिन पे अपना न्यू ईयर मानते थे। कभी कोई 25 दिसंबर को मानता था कि क्रिसमस के दिन, कोई जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से, कोई जन्म उनकी कोई त्यौहार के हिसाब से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब क्या है कि पूरी दुनिया ने इसको इस तरह से मान लिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद से, कि जो ये 1 जनवरी है इसी का दिन जो है वो साल की शुरुआत का दिन होगा। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कल कैलेंडर बनाने की प्रक्रिया के ऊपर मैं नहीं गया, लेकिन आपको इसका इतिहास बताना था, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था कि कैलेंडर चेंज किया गया, और चेंज करने के पीछे किस तरह से इसके अंदर एरर्स आती हैं उसके बारे में भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इसके वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, इन वीडियोज़ की PDF, इनसे रिलेटेड वीडियोज, साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी का जो प्रीमियम कंटेंट है वो भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। इसके ऊपर ऑफ अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफ आते रहते हैं, साथ ही आप मुझसे पर्सनली भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी को कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, और इन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे सक्सेस प्लस अकेडमी के जो इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स मिलेंगे, तो वो भी आप उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव ए गुड डे।